गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 7th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा डी ब्रोगली इक्वेशन या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बात करते हैं डी ब्रोगली समीकरण या इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन का दोहरा व्यवहार। ठीक है बेटा जी, यह टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा इस टॉपिक को हम समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी ब्रोगली ने कुछ बताया, उन्होंने क्या बताया यह देखते हैं। ठीक है बेटा, तो 1924 की बात है बेटा, 1924 में एक वैज्ञानिक हुए थे डी ब्रोगली। कौन बेटा? डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट तरंग यांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उस कॉन्सेप्ट ने उन्होंने क्या बताया था बेटा, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में डी ब्रोगली ने बेसिकली बेटा बताया था कि कोई पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या परमाणु, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जब ये छोटे कण बेटा गतिक अवस्था में होते हैं, यानी कि जब स्मॉल पार्टिकल मोशन में होते हैं, तब क्या होता है, तब ये कण जो होते हैं बेटा, तब ये छोटे छोटे कण बेटा कण की तरह और साथ ही साथ एक वेव की तरह, मतलब वेव की तरह भी व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, जब ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, कायम होते हैं, गतिक अवस्था में होते हैं, तब ये दोनों की तरह, किसकी तरह, कण तथा तरंग, वेव मतलब होता है तरंग, दोनों की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, अब इन छोटे छोटे कणों की इस दोहरे प्रभाव को हम क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का दोहरा प्रभाव, या हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं। ठीक है बेटा, ये था आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बेसिकली। 1924 में डी ब्रोगली नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट तरंग यांत्रिकी सिद्धांत में बेटा उन्होंने ये बताया, जब कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे कण यदि गतिक अवस्था में होते हैं, गति कर रहे होते हैं, तो वे कण बेटा तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, इसे ही हमने क्या कहा था, डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैती प्रकृति या इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, दोहरा व्यवहार कहा था। ठीक है बेटा, अब देखो जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने भी बेटा एक इक्वेशन दी थी E=mc2। तो आइंस्टीन ने भी बेसिकली यह बताया था कि प्रकाश भी कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, कण तथा तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, आइंस्टीन ने भी यह बताया था। तो इन्होंने डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन और प्लैंक क्वांटम थ्योरी यानी कि प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था, उसे मिलाकर दोनों थ्योरी को मिलाकर एक समीकरण दी, जिसे हमने क्या कहा है, डी ब्रोगली की समीकरण। ठीक है बेटा, ये हमने कहा है, देखो जरा ये बात नोट कर लो, क्या हम बोल रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में लिख दिया हमने, जो बच्चे एबल हैं अंग्रेजी में तो वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, जो बच्चे बेचारे हिंदी में लिखना चाहते हैं वे हिंदी में हमारे साथ लिख लीजिए। क्या, इन 1924 में डी ब्रोगली प्रपोज्ड वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली ने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तावित किया, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तावित किया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली,
डी ब्रोगली के अनुसार या डी ब्रोगली के वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण, किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा परमाणु जब गतिक अवस्था में होते हैं, जब गति कर रहे होते हैं आर इन मोशन, तब इट्स नेचर इज लाइक ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल, तब इनका व्यवहार तरंग तथा कण दोनों के समान होता है, तब इनका व्यवहार या तब इनकी प्रकृति कण तथा तरंग दोनों की तरह होती है। ठीक है बेटा, दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का यही दोहरा प्रभाव इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की ये दोहरा प्रभाव क्या कहलाता है? पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति या इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति कहलाता है। ठीक है बेटा, हो गया हिंदी में, बस अब देख लो। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल कैरेक्टर लाइक लाइट, इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में भी प्रकाश के समान दोहरा व्यवहार होता है, दोहरा नेचर होता है, द्वैतीय प्रकृति होती है। अब ये लाइट का डबल नेचर आइंस्टीन ने बताया था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में आइंस्टीन लिख दिया है। लाइट के डबल नेचर को किसने बताया था? आइंस्टीन ने। ठीक है बेटा, दस इस प्रकार डी ब्रोगली ड्राइव, डी ब्रोगली ने ड्राइव की एन इक्वेशन, एक समीकरण ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और किसके आधार पर? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इस प्रकार डी ब्रोगली ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है आइंस्टीन का आपेक्षिक सिद्धांत। ठीक है बेटा, आइंस्टीन का आपेक्षिक सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी मतलब आपेक्षिक सिद्धांत। ठीक है, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को कहते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो बेसिकली डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया? प्रयोग किया, का यूज किया। ठीक है, और एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है बेटा, यह लिख दिया हमने। अंग्रेजी में एक बार और पढ़ देते हैं। इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज्ड वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एटम आर इन मोशन देन इट्स नेचर इज लाइक अ वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर लाइक लाइट। दस डी ब्रोगली डिराइव्ड एन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या? डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या? तो देखो इसे ड्राइव करते हैं। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लीजिए। अब हम ड्राइव करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखते हैं डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन एक बार यदि आप बोर्ड पे मेरे साथ देखेंगे आपको ड्राइव करनी आ जाएगी। मैं आपको इतना इजी से सिखाऊंगा बेटा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए आप, ये हम करते हैं ड्राइव, डी ब्रोगली इक्वेशन करते हैं अब हम ड्राइव बेटा। ये है डी, इधर से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, पूरे बोर्ड पर लिख देंगे, दो पार्टों में हमने बोर्ड बांट दिया। यहां लिखा हमने डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली की समीकरण। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो बेटा, जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन उन्होंने क्या इक्वेशन दी थी? आइंस्टीन ने दी थी ई बराबर
एम सी स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन है, ये क्या है, आइंस्टीन की समीकरण है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक मान लिया हमने से। अब वही प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या देती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये देती है ई बराबर होता है एच म्यू, ई बराबर एच न्यू, ठीक है, ई बराबर एच न्यू, ठीक है, जस्ट लाइक वी, वी की तरह होता है म्यू, ठीक है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है आवर्ती, ठीक है बेटा, जहां ई बराबर क्या है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एच बराबर क्या है प्लैंक्स क्वांटम, सॉरी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और म्यू बराबर क्या है आवर्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है, यहां पे मास ऑफ पार्टिकल, यहां पे सी बराबर लाइट वेव ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है, और ई बराबर था एनर्जी, एनर्जी ऑफ किसकी लाइट, ठीक है बेटा, ये हुआ। ये इक्वेशन किसने दी थी, प्लैंक्स, 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 ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दी थी, इसे हमने दो मान लिया बेटा, इसे मान लिया हमने इक्वेशन दो, तो एक प्राप्त हुआ हमें ई बराबर एम सी स्क्वायर, दूसरा प्राप्त हुआ ई बराबर एच न्यू, ठीक है बेटा, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एच न्यू, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन सेकंड। अब बेटा जी ये बताइए हमें, ई बराबर एम सी स्क्वायर है या ई बराबर एच न्यू स्क्वायर, तो इन्हें तो बराबर रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे E का वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे E की वैल्यू यह है ना, तो इस जगह इस E की वैल्यू रख दें, यहाँ पे मतलब ये वैल्यू यहाँ पर रख दें या ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं इक्वेटिंग, अंग्रेजी में कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अर्थात समीकरण नंबर एक तथा समीकरण नंबर दो को बराबर रखने पर, हिंदी में आप लिख लें, बराबर रखने पर, बराबर करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, क्या प्राप्त होगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, समीकरण नंबर तीन बना लिया हमने, ये मिल गया, समीकरण एक और दो को बराबर रखेंगे तो समीकरण नंबर तीन प्राप्त हो जाएगी, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहां तक आ गया, ड्राइव करना सिखा रहे हैं हम आपको, यहां तक आ गया, कुछ नहीं करा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एच म्यू, ठीक है, एच म्यू है तो दोनों को बराबर रख दिया हमने, रख दिया। अब चूंकि बेटा आप जानते हैं म्यू बराबर होता है न्यू बराबर, न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा लिखा हमने, ठीक है, लैम्डा बेसिकली ये जने क्या ऐसे बनता है, ठीक है, हम जो लैम्डा बना रहे हैं, ठीक है, अपना अपना मेथड है भाई, म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। अब बेटा जब म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है तो न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं रख सकते, सो न्यू के इस मान को बेटा, इस मान को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर कितने में रखने पर, तीन में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, एच तो एच था, न्यू की जगह क्या लिखेंगे, मैं क्या लिखेंगे बेटा, सी अपॉन लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, हो गया बेटा। अब देख लो बेटा, एच और सी, तो एच और सी क्या है, ऊपर है और लैम्डा नीचे है, ये भी कर सकते हैं बराबर एम सी स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से सी कट जाएगा या सी से स्क्वायर कट जाएगा, वो देखने से पहले कुछ बच्चे बायोलॉजी के होंगे वो देख लें, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल इजी बताना है बेटा, हम बटे में इसके एक कर लिया, मान लो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक कर लेते हैं, तिर्यक गुणा जानते हैं आप, इसकी इससे, इसकी इससे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एच सी बराबर, क्योंकि एच सी की एक से करेंगे तो एच सी मिलेगा, बराबर क्या मिल जाएगा हमें, एम सी
लैम्डा इंटू एम सी स्क्वायर, लैम्डा इंटू एम सी स्क्वायर ये मिल जाएगा। या हम कुछ बच्चे इधर से स्टार्ट करेंगे तो चलो वो देख लो, लैम्डा एम सी स्क्वायर बराबर एच सी, ठीक है कैसे भी रख रहे हैं आप, ठीक है बेटा यही तो आएगा, ये आया तो बेटा बताइए आप, अब स्क्वायर कट जाएगा, ये सी स्क्वायर का मतलब क्या है, लैम्डा एम इंटू सी है दो बार है ना, बराबर एच सी, और सिंपल कर दिया तो एक सी कट गई एक सी से, तो बचा लैम्डा एम सी बराबर एच, क्योंकि एक सी तो बचा, ठीक है। अब चूंकि हमें इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में क्या करनी है, ड्राइव करनी है, तो लैम्डा हमने यहीं छोड़ा, लैम्डा बराबर तो जो गुणा में होते हैं वो दूसरे वाले के बराबर वाले के भाग में जाते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, ये इसके भाग में जाएंगे बेटा, ठीक है भाग में जाएंगे, तो देखो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, ये इक्वेशन बना ली हमने इक्वेशन नंबर चार, ठीक है बेटा जी हो गई। अब बेटा मुझे एक बात बताइए आप, यहां से दोबारा देख लो, म्यू की जगह म्यू का मान सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ये दोनों ऊपर है ये नीचे है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में एक कर लिया, त्रिया को गुणा कर ली, या तो हमें ये मिला या हमें ऐसे लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म एक ही है, हमने पहले लैम्डा एम सी स्क्वायर ये वाला फिर ये वाला लिखा बराबर में, और जो पहली क्वेश्चन है एच सी की एक से गुणा करें एच सी बराबर लैम्डा एम सी स्क्वायर, ठीक है बेटा ठीक है ये पता चल गया आपको। अब दो सीटें इधर एक सीट इधर, तो एक सी कट गया इधर, ठीक है तो इधर भी सी बचा इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है सी एक तरफ ने काट दिया, ठीक है बेटा देखो दो सीटें यार सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे दो सी है यहाँ पे एक सी है, हम तो यहीं पे काट देते खत्म स्क्वायर, तो एच अपॉन लैम्डा बचता बराबर एम, ये बचता, अब लैम्डा में लेना होता तो लैम्डा बराबर क्या होता एच अपॉन क्या होता एम सी, यहाँ पे सी बच जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, ये मिल जाता हमें यहीं पे, लेकिन हमने इतना किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बेटा ये किया। अब देखो बेटा अब आप जानते हैं सी बराबर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन में डबल नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी बना सकते हैं, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा हमें बी, सी बराबर बी, यानी कि सी की जगह हमें बी रख देंगे, जहां बी बराबर वेलोसिटी है सी बराबर भी वेलोसिटी है, ठीक है बेटा सी बराबर भी वेलोसिटी और बी बराबर ही वेलोसिटी, सी बराबर ही वेव और बी बराबर ही वेव, तो इसलिए ये बराबर कर दिए, तो सी की जगह हमें क्या रखना होगा बेटा बताइए बी, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, ठीक है बेटा, जहां लैम्डा वेव लेंथ है तरंग दे दे रही है, वेव लेंथ तरंग दे दे, एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम बराबर मास, v बराबर वेलोसिटी। अब बेटा द्रव्यमान गुणा वेग तो संवेग के बराबर होता है, यानी कि m चूंकि फील्ड को चूंकि m इंटू वी बराबर p, अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर होता है बेटा संवेग के, किसके बराबर होता है संवेग के, तो हम इन दोनों की जगह p रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, इस इक्वेशन को कहते हैं हम डी ब्रोगली बेटा इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं इसे, इस समीकरण को है कहते हैं हम बेटा डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है बेटा लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ठीक है बेटा जहां लैम्डा वेवलेंथ, एच प्लांक्स कांस्टेंट, पी बराबर मोमेंटम, ठीक है मोमेंटम हो गया एक तरह से, ठीक है एम इंटू बी मोमेंटम यानी कि संवेग हो गया बेटा,
तो ये थी आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये हमने ड्राइव की, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।